ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपना डेटा पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिल्टर जो अप्लाई किया जाता है वो तो बेसिकली वेयर क्लॉज के थ्रू किया जाता है, लेकिन क्योंकि अभी हम बेसिक्स सीख रहे हैं तो विदाउट वेयर क्लॉज काम करते हैं, यानी हम नहीं लिखेंगे, बैक एंड पे क्यूरी तो वही चलेगी। हम क्या करते हैं, एडिट टॉप 200 रोज उसी ऑप्शन को यूज़ करते हैं जिसको हम यूज़ करते रहे हैं। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो तमाम रोज़ विजिबल हो जाएंगी। अच्छा, हमारे पास ऊपर एक टूल बार आ रहा है, इसमें कुछ मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। अगर ये टूल बार अवेलेबल ना हो तो आप व्यू में जाएंगे, टूल बार में आगे क्यूरी डिज़ाइनर को इनेबल करेंगे। देखें, अभी ये टूल बार नहीं है, व्यू में जाता हूँ और क्यूरी डिज़ाइनर के टूल बार को इनेबल कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये जो रिकॉर्ड आ रहे हैं इसके पीछे क्यूरी क्या रन हुई है, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो शो एसक्यूएल पैन, हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखें, ये हमारे क्यूरी अवेलेबल हो गई है। हम चाहें तो डायरेक्टली इसी क्यूरी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ से पर्सन नेम का कॉलम अगर हटा दूँ और इसको एग्जीक्यूट कर दूँ तो ठीक है, सिर्फ पर्सन नंबर रह गया। अच्छा, इसकी जगह पे डायरेक्ट लगा दूँ तो ये ऑटोमेटिकली सारे कॉलम ले आएगा, लेकिन फ़िलहाल हमने क्यूरी से काम नहीं करना। इस क्यूरी का स्ट्रक्चर हम बाद में समझेंगे, हम विदाउट क्यूरी काम करते हैं इस वक्त। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, शो क्राइटेरिया पैन ये ऑप्शन विजिबल करूँगा और एसक्यूएल को बंद कर दूँगा। इस वक्त हम जीयूआई के ही थ्रू काम करेंगे। अगर हम सिर्फ पर्सन नेम लेना चाहते हैं तो मैं आउटपुट, ये आप देख रहे हैं आउटपुट, इसके सामने से टिक हटा दूँगा, चेक हटा दूँगा और सिर्फ पर्सन नेम के सामने ही चेक रहने दूँगा और इसको रन करेंगे। सिर्फ पर्सन नेम आ गया। अच्छा जी, अगर इस पे चेक लगा दें, अच्छा ये ऑप्शन इंडिकेट करता है कि लास्ट टाइम जो क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है उसके बाद से कोई ना कोई चेंजेस हो चुके हैं, इसलिए आप इसको एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है। अच्छा जी, अगर दोनों पे ही हमने चेक लगा लिया, दोनों ही कॉलम थे, जितने भी कॉलम हैं तो सारे रिकॉर्ड आ गए। तो एक बात तो आपको ये समझ आ गई कि ये क्राइटेरिया पैन आएगा किस तरह से और इसमें फीचर्स क्या क्या हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट, यहाँ पे पर्सन नंबर लिखा आ रहा है, अगर मैं इसका एलियस लिख दूँ नंबर तो क्या होगा। देखें, यहाँ पे जो इसका टाइटल है ना, फिर वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बैक एंड पे कॉलम का नाम चेंज हो गया, ये सिर्फ उसका एलियस है, ये सिर्फ उसकी हेडिंग है, हेडिंग चेंज हो जाएगी। इसी तरह से इसको मैं नेम अगर दे दूँ तो इस कॉलम की हेडिंग चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई कि किस तरह से हम कॉलम्स को शो एंड हाइड कर सकते हैं, लेकिन रोज़ को कैसे शो एंड हाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सिर्फ रिकॉर्ड नंबर 11 चाहिए। अच्छा, कौन सा रिकॉर्ड नंबर 11, जिसका पर्सन नंबर 11 हो। तो पर्सन नंबर के सामने फिल्टर अप्लाई करूँगा 11, राइट, और इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सिर्फ अब वही रिकॉर्ड आ जाएगा जिसका रिकॉर्ड नंबर 11 होगा। तो ठीक है, इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ज्वाइन करें आप हमें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।